आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटे और क्रिस्पी साबूदाने के पकोड़े। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हम लेंगे एक कप साबूदाना, जिसे हमने दो तीन बार धोकर एक कप पानी डालकर 3-4 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसे एक बोल में शिफ्ट करेंगे। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच बादाम डाल रहे हैं, इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप बादाम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह रोस्टेड मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया, 3 बड़े चम्मच कुट्टू का आटा, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक कद्दूकस करके डालेंगे, या हम सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं स्वादानुसार, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं 1 छोटा चम्मच, और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पिसा हुआ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करके अलग रख देंगे। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें रिफाइंड ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और छोटा छोटा पोर्शन लेकर इसे ऑयल में डालेंगे। जितने आसानी से आ पाए उतने डालेंगे और फिर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर निकाल लेंगे। लीजिए हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और चटपटे साबूदाने के पकोड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।